नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं जयंत श्रीवास्तव। एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं राजनीतिनामा के नए अंक के साथ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी दलों के शब्द बाण तेज हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने रविवार को यूपी की ब्यूरोक्रेसी के चार अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही इन अफसरों को भाजपा का एजेंट बताते हुए पत्र के जरिए आयोग से उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। कहा कि जो पार्टी जनता के लिए कुछ भी नहीं करती है, उसे ही चुनाव से घबराहट होती है। योगी आदित्यनाथ ने इस पर चुनाव में विपक्ष की तुलना ऐसे विद्यार्थी से की जो साल भर पढ़ाई न करे और सोचे टाप कर जाएंगे। चुनावी बिगुल बजते ही बहुजन समाजवादी पार्टी भी एक्टिव हो गई है। रविवार को पार्टी अध्यक्ष पूर्व सीएम मायावती ने रविवार को बैठक में पदाधिकारियों के संग प्रत्याशियों के चयन को लेकर गुफ्तगु की। बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया को बताया कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बसपा प्रत्याशियों की पहली सूची भी जल्द घोषित कर दी जाएगी। उधर उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव प्रचार में डिजिटल वार दिखेगा, क्योंकि आयोग ने 15 जनवरी तक राजनीतिक दलों की रैली, रोड शो और नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगा दी है। इसके बाद कोरोना के हालात को देखते हुए आयोग रैली की अनुमति पर विचार करेगा। ऐसे में राजनीतिक दल वर्चुअल रैलियों और डिजिटल प्रचार की तैयारियों में जुट गए हैं। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे राजनीतिनामा। हमें दीजिए इजाज़त, अगले अंक में हम फिर मिलेंगे। तब तक लिए नमस्कार। खबर आपकी, नज़र हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।